नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप 15 बड़ी खबरों को जानेंगे, जिसमें हम जानेंगे राज्य में खुलने वाले स्कूल के गाइडलाइन के बारे में, राज्य में कब से कोरोना का टीकाकरण शुरू होगा, साथ ही जानेंगे बिहार में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कितनी है, RJD के द्वारा बिहार सरकार के ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं, 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी के बारे में, सिपाही भर्ती में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई के बारे में, साथ ही हम जानेंगे कि बिहार के किस पान को मिला जियो टैगिंग, नियोजित शिक्षक के कुछ अपडेट के बारे में, राज्य में हाईकोर्ट कब से फिजिकल खुलेगा, पटना नगर निगम के कर्मी कब से आंदोलन करेंगे, साथ ही हम जानेंगे कि आप अपने पंचायत की वोटर लिस्ट में किस तरह अपना नाम जुड़वा सकते हैं, राज्य में कोरोना अपडेट के बारे में, फिर सरकारी नौकरी को लेकर कुछ अपडेट के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फटाफट से सभी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप सभी हमें ये जरूर बताइएगा कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसमें से जवाब देने वाले किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लकी प्राइज जीतने का मौका मिलेगा। आज की सबसे पहली खबर, 9 महीने बाद छात्रों के लिए खुलेगा स्कूल का ताला, कोरोना का पाठ भी पढ़ाया जाएगा, ऑड एंड इवेंट के तर्ज पर आएंगे बच्चे। जी हां, 9 महीने बाद छात्रों के लिए स्कूल का ताला खुल रहा है। संक्रमण से बचाव को लेकर बच्चों को पढ़ाने की तैयारी की जा रही है। रविवार को स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान को सैनिटाइज करने का काम भी किया गया है। कोरोना के गाइडलाइन को लेकर स्कूल में तैयारी चल रही है। स्कूल कॉलेज में कोरोना को मात देकर पढ़ाई कराने की तैयारी की जाएगी। शिक्षा विभाग ने जो गाइडलाइन जारी की है, उसके हिसाब से स्कूल को सैनिटाइज करने का काम किया जा रहा है। इसी गाइडलाइन के आधार पर ही सोमवार यानी आज से स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सहित अन्य शिक्षण संस्थान को खोला जाएगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि स्कूल को लेकर क्या निर्देश जारी किया गया है। तो 50% क्षमता के साथ ही स्कूल को खोला जाएगा। पहले दिन 50%, तो दूसरे दिन 50% छात्र आएंगे। सभी स्कूली छात्रों को 2-2 वॉशेबल मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। कोचिंग संस्थान, छात्रावासों के लिए भी ऐसा ही निर्देश जारी किया गया है। पानी की टंकी, किचन, वॉशरूम को सैनिटाइज किया जाएगा। डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन की सुविधा उपलब्ध होगी। छात्रों के बीच 6 फीट की दूरी रखी जाएगी। इसके लिए बेंच लाई जा रही है। राज्य के सभी जिला मुख्यालय को मिलेगी हाईटेक वैक्सीन वैन, गांव-गांव तक होगा सामूहिक वैक्सीनेशन। जी हां, वैक्सीन सेंटर पर पहुंचने में समस्या आ रही है तो कोई तनाव नहीं है, अब गांव में ही वैक्सीनेशन का काम हो जाएगा। सरकार की तरफ से इसकी तैयारी की जा रही है। इसके लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालय को एक एक हाईटेक वैक्सीन वैन दिया जा रहा है। इसमें एक बड़े गाँव के लोगों को वैक्सीनेशन का पूरा स्टॉक होगा और इसकी कोल्ड चेन मेंटेन करने की क्षमता भी काफी अधिक होगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होते ही सिविल सर्जन को वैक्सीन वैन दे दी जाएगी। नालंदा की अपर्णा 12,500 फीट ऊंची केदारनाथ चोटी पर पहुंची, तिरंगा फहराया। जी हां, बिहार शरीफ रेलवे स्टेशन के समीप पंडित नगर निवासी अर्पणा सिन्हा की चर्चा सुबह में जोर शोर से हो रही है। नालंदा की बेटी ने केदारकंड की 12,000 फीट ऊंची बर्फीली चोटी पर तिरंगा लहराकर कीर्तिमान बनाया है। यह कीर्तिमान हासिल करने वाली अपर्णा सुबह की दूसरी बेटी है। केदारनाथ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोविंद वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 12,500 फीट है। किसान आंदोलन के समर्थन में बिहार में 25 जनवरी को मानव श्रृंखला बनाने की तैयारी में विपक्षी दल। बिहार में भाकपा माले ने किसान आंदोलन के समर्थन में 25 जनवरी को राज्य भर में मानव श्रृंखला बनाने की अपील महागठबंधन में शामिल दलों से की है। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल ने इसके लिए महागठबंधन की पार्टियों, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, सिपाही और CPIM को पत्र भी लिखा है। साथ ही कहा है कि सहमति बन गई तो
महागठबंधन की बैठक बुलाकर कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। विपक्ष का कहना है कि किसान आंदोलन अब देशव्यापी स्वरूप ग्रहण कर चुका है। दिल्ली के बॉर्डर पर कड़ाके की ठंड के बावजूद किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक कई दर्जन किसानों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन मोदी सरकार अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। उनकी मांगों पर ईमानदारी पूर्वक विचार करने के बजाय वार्ता का दिखाया कर रही है और आंदोलन को बदनाम करने और उसमें फूट डालने की ही कोशिश कर रही है। प्रदूषण की गंभीर होते स्थिति को लेकर अब बिहार के हर प्रमंडल मुख्यालय में खोली जाएगी जांच लैब। जी हां, बिहार के सभी प्रमंडल मुख्यालय में राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय और लैब खोले जाने की योजना है, तब प्रदूषण की रोकथाम को प्रभावी उपाय हो सकेंगे। फिलहाल राज्य में केवल मुजफ्फरपुर और बरौनी में ही परिषद का कार्यालय क्षेत्र है, जबकि पटना, गया और पूर्णिया के क्षेत्रीय कार्यालय और लैब तो पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया स्थित परिषद मुख्यालय में ही चल रहा है। प्रदूषण की स्थिति दिन ब दिन भयावह होती जा रही है। बिहार के पटना, गया और मुजफ्फरपुर शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में लगातार शामिल हो रहे हैं। हवा जहरीली हो गई है और नदियों का पानी नहाने के लायक भी नहीं बचा है। असल में प्रदूषण की मार तो राज्य के बाकी शहर भी झेल रहे हैं, लेकिन वहां इसे नापने की कोई सुविधा नहीं है। हालांकि राज्य सरकार अब विभिन्न जिलों में वायु गुणवत्ता मापने के 24 नए स्टेशन स्थापित करने जा रही है। सिपाही भर्ती परीक्षा में पकड़े गए 3 मुन्ना भाई हाईटेक तरीके से कर रहे थे चोरी। जी हां, केंद्रीय चयन पार्षद के सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा जिले के विभिन्न एग्जाम सेंटर पर शांति रूप से संपन्न हुई। परीक्षा के दौरान 3 मुन्ना भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। परीक्षा में नकल करते पकड़े गए 3 युवक के पास से ब्लूटूथ हेडफोन और कुछ चीट पुर्जा बरामद हुए हैं। पुलिस इन युवकों को पकड़कर कानूनी कार्रवाई कर रही है। इस मामले पर सदर DSP अनुज कुमार ने बताया कि आज आरक्षी चालक की परीक्षा थी, जिसमें 3 परीक्षार्थी नकल करते पकड़े गए। इन 3 व्यक्ति में से 2 रोज पब्लिक स्कूल से पकड़े गए हैं और जो डिवाइस से चोरी करते पकड़े गए हैं ये दोनों छपरा के रहने वाले हैं और 1 व्यक्ति CM आर्ट्स कॉलेज से चोरी करते पकड़ा गया है। बिहार के मगही पान को मिला जियो टैगिंग, अब राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी पहचान। जी हां, बिहार के कुछ बेहद नामचीन चीजों में एक मगध के मगही पान को सरकार ने जियो टैगिंग यानी पेटेंट कर दिया है। इस खबर के बाद से पान व्यवसायों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। बता दें कि गया जिला के सीमावर्ती इलाकों में मगही पान की खेती की जाती है। सरकार द्वारा जियो टैगिंग किए जाने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर मगही पान की पहचान बढ़ेगी तथा उसके उत्पादन करने पर जोर दिया जाएगा और किसानों की स्थिति को बदलने में कारगर बनेगा। बिहार के किसानों को 14 साल पहले मिली थी फसल की बेचने की आज़ादी, तेजस्वी बोले क्यों नहीं बढ़ी आमदनी। जी हां, किसान आंदोलन के बीच देश में लागू नए कृषि कानून के मसले पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर नीतीश सरकार की घेराबंदी की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 14 साल पहले बिहार के किसानों को फसल बेचने की आज़ादी दी गई थी। राज्य में 2006 के अंदर APMC एक्ट को खत्म किया गया, लेकिन बावजूद इसके बिहार के किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। किसान की आमदनी ना तो बढ़ी और ना ही उन्हें एक्ट खत्म करने का कोई सीधा फायदा मिल पाया। बिहार के किसानों के लिए 2006 में राज्य सरकार ने APMC को लागू किया था। किसानों को फसल बेचने के लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी कि विकल्पों की आज़ादी दी गई थी। नए साल में खत्म होगा नियोजित शिक्षकों का इंतजार, सरकार इस फैसले पर जल्द करेगी अमल। जी हां, नए साल में नियोजित शिक्षकों के इंतजार खत्म होने वाला है। नियोजित शिक्षकों के ऐच्छिक तबादले को लेकर जल्द ही मंजूरी मिलने वाली है। तबादले की नीति बनाने के लिए गठित कमेटी इस पर मंथन कर रही है और जल्द ही 1-2 बैठक के बाद कमेटी अपना प्रस्ताव विभाग को सौंप देगी, जिसका फायदा करीब 1.5 लाख नियोजित शिक्षक को मिलेगा। बता दें कि सितंबर 2020 में शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक गरिवर दयाल सिंह की अध्यक्षता में तबादले का फॉर्मूला तैयार करने के लिए एक कमेटी गठित की। ऐसे तो 1 माह के अंदर ही कमेटी को अपना रिपोर्ट सौंपना था, पर चुनाव के कारण देर हो गई, लेकिन अब जल्द ही इसे अमल करने की तैयारी शुरू हो गई है। पटना नगर निगम के कर्मी आंदोलन के मूड में 18 जनवरी से चलाएंगे
चरणबद्ध आंदोलन। जी हां, नगर निगम के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने 18 जनवरी से चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। पटना नगर निगम चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए मांग पूरी करने पर जोर दिया है। इससे पहले पटना नगर निगम संयुक्त कर्मचारी समन्वय समिति ने पुराने साल के आखिरी दिन व नए साल के पहले दिन प्रदर्शन में भी निगम में भ्रष्टाचार का मामला उठाया था। संघ ने वेतन और पेंशन समय पर उपलब्ध कराने, रिक्त पदों को दैनिक सफाई मजदूरी से भरने, निजीकरण पर रोक लगाने आदि मांग की थी। इस मौके पर कर्मचारियों ने नए साल का नया नारा दिया, बंद करो यह भ्रष्टाचार, मजदूरों को मत करो परेशान, नहीं तो होगा चक्का जाम। बिहार पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में संशोधन, 1 फरवरी तक आयोग ने मांगे हैं आवेदन। जी हां, बिहार पंचायत चुनाव की तैयारी जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वोटर लिस्ट का प्रारूप प्रकाशन पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर किया जाएगा। प्रारूप प्रकाशन के दौरान वोटर लिस्ट में संशोधन की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मतदाता का नाम भी सही किया जाएगा। नाम सुधारने के लिए आप क्या करें? तो राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक ग्रामीण मतदाता सूची में नाम सही नहीं होने पर पपत्र घ में आवेदन करना होगा। आवेदन भरकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां देकर रसीद रख ले, जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को 18 साल की उम्र पूरी कर ली है, वो भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। पटना हाई कोर्ट में आज से फिजिकल सुनवाई, जाने कैसे काम करेगा कोर्ट। कोरोना महामारी के दौर में पटना हाई कोर्ट वर्चुअल तरीके से काम कर रहा था, लेकिन अब अरसे बाद पटना हाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाई की शुरुआत होने जा रही है। नए साल में 4 जनवरी यानी आज से सोशल डिस्टेंसिंग के नियम के साथ पटना हाई कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। फिलहाल 2 हफ्तों के लिए व्यवस्था की गई है। फिजिकल सुनवाई के लिए पटना हाई कोर्ट के 23 कोर्ट रूम को तैयार कर लिया गया है। कोर्ट रूम में केवल वैसे वकील को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिनका केस सुनवाई के लिए लिस्टेड होगा। इस दौरान हफ्ते में 4 दिन सभी जजों के समक्ष केवल 25 आपराधिक मामलों की अर्जियां ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर, तो बिहार में कोरोना संक्रमण के रफ्तार अब धीमी हो गए। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटे में 282 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 253,934 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 4,951 कोरोना के एक्टिव मरीज है, तो सबसे ज्यादा राजधानी पटना में एक बार फिर से 88 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर 3 लोगों की कोरोना से जान चली गई है और राज्य में कुल मरने वालों का आंकड़ा 1403 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 490 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। बिहार में कोरोना वैक्सीन लगवाने वालों की संख्या कितनी है, स्वास्थ्य मंत्री ने दिया जवाब। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि कोरोना टीकाकरण को लेकर अभी तक पोर्टल पर कुल 4,39,663 हेल्थ केयर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनमें सरकारी संस्थानों के 3,62,061 और प्राइवेट संस्थानों के 72,371 लाभार्थी शामिल है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का इजाद कर भारत ने विश्व में परचम लहराया है। मंगल पांडे ने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वैज्ञानिकों के प्रति बिहार वासियों की ओर से आभार प्रकट किया है। और अंत की बड़ी खबर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एनटीपीसी परीक्षा के दूसरे फेज के लिए जारी किया अपडेट। यहां मिलेगी एग्जाम सेंटर एंड डेट की जानकारी। जी हां, आरआरबी एनटीपीसी का पहला चरण 28 दिसंबर 2020 से शुरू होकर 13 जनवरी 2021 तक आयोजित हो रहा है। अब रेलवे बोर्ड ने परीक्षा के दूसरे चरण की तारीखों की घोषणा कर दी है। रेलवे ने कुल 1,40,000 रिक्तियां जारी की है और इन रिक्तियों की भर्ती के लिए 2,44,00,000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। आरआरबी एनटीपीसी का दूसरा चरण 16 जनवरी 2021 से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि दूसरे चरण के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा देखने के लिए लिंक SC/ST के लिए मुफ्त यात्रा प्राधिकरण शहर और दिनांक और डाउनलोडिंग उम्मीदवारों को सभी आरआरबी वेबसाइट पर 6 जनवरी से उपलब्ध कराया जाएगा और
परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले ई कॉल लेटर को डाउनलोड करना शुरू हो जाएगा। आज के लिए आपका सवाल, भारत में तीनों सेनाओं के मुखिया की नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।